weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. कल हम बात कर रहे थे अल्लाह की जिक्र की, अल्लाह की याद की, इबादत की, और कैसे हमें पता चला कि हम सही तरीके से कर भी रहे हैं, वो फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में हो भी रहा है या नहीं. हम सभी अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं. कभी अकेले बैठकर करते हैं, कभी पूरा माहौल बनाते हैं, महफिल सजाते हैं, लोगों के साथ मिलकर अल्लाह का नाम लेते हैं. और ये नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हम उसके ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा रहे हैं. ये हमें पता चलेगा कि जब हम महसूस करेंगे अपने अंदर उसकी ताकत को, उसके नूर को, उसकी डिविनिटी को, उसकी प्योरिटी को, हम अपने अंदर कोई तब्दीलियां महसूस करेंगे, तो हमें वाकई लगेगा कि हाँ, जो हमने ज़िक्र किया है, जो हमने इबादत की है, अल्लाह का, अल्लाह को याद किया है, उससे हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है. और शायद अल्लाह ताला को हमारी इबादत से, हमारे ज़िक्र, हमारी याद से कोई गर्ज ना हो, लेकिन वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से तो इंसान मेरे साथ अपना कनेक्शन जोड़े, मेरे साथ, जिसे कहते हैं कि मेरे से वो ताकत ले सके, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके, फ़ैसले सोच और समझ के साथ अच्छे तरीके से कर सके, रिश्तों को निभा सके. तो अब जब भी हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो ये इस बात पर ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है. जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, जिस मकसद के लिए हमने वक्त निकाला है, क्या वो सही तरीके से हम कर पा रहे हैं, वो कनेक्शन ठीक से जोड़ पा रहे हैं उस रब के साथ, वो फ़ायदा हम उठा पा रहे हैं. और इसका अंदाज़ा हमें इसी बात से लग सकता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएंगे, खुशी देखेंगे, अच्छे से फ़ैसले कर पाएंगे ज़िंदगी के मामलों में, रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे. और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शन में उसके साथ प्रॉब्लम है. हमारी सोल, हमारी रूह ठीक से चार्ज नहीं कर पा रही है, वो बैटरी डिप्लीट हो रही है. तो हमारी जो कनेक्शन है उसको हमने चेक करना होगा. आज इस पर ही हम बात करेंगे. आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि वाकई आपने ये कभी कनेक्शन फील किया है. याद और ज़िक्र हम सभी करते हैं, लेकिन क्या वाकई वो वाला एहसास आपके अंदर आया है कि आपके अंदर ताकत भर रही है और वो आप खुशी महसूस कर रहे हैं. आज का हमारा शो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. कल की रेसिपीज़ के हवाले से भी आपको फीडबैक दूंगी, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं फरा, फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं और कौथुम से तो खैर अभी पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, अपना कंप्लीट करेंगी कोर्स, लेकिन आ गई हैं, इनके सर ने इनको भेज दिया है. खैर कोई बात नहीं, टैलेंट होगा तभी तो भेजा है, ऐसे थोड़ी भेजा है. फरा फर्स्ट टाइम आई है, बहुत घबराई हुई हैं, बहुत नर्वस हैं. ये देखें अभी बैठी हुई, अभी किताब उन्होंने बंद की, अभी तक ये रेसिपी ही पढ़ रही थी. अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या टेंशन है? मैं हूँ ना, क्या फिक्र है? आप अपना काम जानती है, कुकिंग जानती है. अच्छा, मतलब आज बात भी नहीं होगी ना? सलाम का जवाब भी ठीक से नहीं होगा, हाँ भी नहीं होगा, ना भी नहीं होगा, बस सर हिलेगा, ऐसा होगा. नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ. बिल्कुल रिलैक्स. टीवी शोज देखती हो हमारे? yes. कैसे कैसे लोग आते हैं ये भी देखती होगी, है ना? दिखा है. हाँ, तो खैर अभी नर्वस क्या होना. मुझे ये बताओ कि क्या करती हैं आप, हाउस वाइफ हैं? यस. yes. कुकिंग का कहाँ से शौक आ गया इतना? कुकिंग का शौक तो बचपन से ही, मतलब अच्छा था. ओके. और मेरा छोटा भाई है, वो बेचारा बहुत भुगता है इसके लिए. क्या मतलब? जितनी भी रेसिपी मैं करती थी तो सबसे पहले ले आके उसको ट्राई करवाती थी. अब अच्छी बुरी जैसी भी जी. वो बेचारा खामोशी से कर लेता था. उसके बाद फिर मतलब फिर शादी हो गई. अच्छा, फिर और कुकिंग बढ़ गई. कुकिंग बढ़ गई. सही है. तो अब ये जो आप कॉथम से भी कर रही हैं, तो इसका इरादा कैसे किया? कुछ ये बहुत नहीं, ये एक डिटेल है बहुत. अच्छा. कि हाँ, उसके पीछे एक टास्क है. अच्छा, मतलब मेरी जो नंद है उनकी डेथ हो गई थी. अच्छा. असल में तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो ही मेरी, मतलब मुझे उन्होंने काफ़ी गाइड किया था. अच्छा, हर अच्छा. चीज़ में हेल्प आउट किया ठीक था. ठीक है. लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे नहीं समझ आता था कि क्या होगा आगे. जो भी चीज़ होती थी पूछना उनसे पड़ता था. तो फिर मैंने इरादा ये किया कि जो है वो मैं, इससे फर्क पड़ा बहुत, है ना? थोड़ा माइंड डाइवर्ट बहुत हुआ, ज़्यादा, थोड़ा बहुत किसी प्रोडक्टिव काम में भी लगी. बिल्कुल. तो आगे कुछ इरादा है, कुछ केटरिंग वगैरह का या होटल? केटरिंग का तो नहीं है, ये तो इंशाल्लाह अपना ओन रेस्टोरेंट कैफे. होप सो. होप सो. इरादे हैं जी, इंशाल्लाह. चलो गुड है. अच्छा, आज क्या क्या सीख रहे हैं हम?
फरा से? आज हमारी 4 रेसिपीज हैं. ठीक है. एक तो चिमीचांगा है, चिमीचांगा है, ठीक है. एक कंग पाओ चिकन है, सही है, विद गार्लिक राइस है. एक सीजर सैलेड है. अच्छा. और एक जो है वो शेक है. अच्छा ठीक है. रेड नट मिल्क शेक है. चलो वो तो जल्दी हो जाएगा. बस चिमीचांगा और ये सारी चीज़ें. फरा को अपने हाथ का क्या पसंद है वैसे? कुछ भी नहीं. ये कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना पसंद हो? मतलब एक्सपेक्ट करो कि मैं नहीं खाती. लोग खाते हैं, मैं खाती हूँ. मतलब जिस वक्त कुक कर लेती हूँ ना, फिर मेरा नहीं मूड होता. नहीं, मूड नहीं होता, लेकिन एक होता है ना कि मैं ये अच्छा बना लेती हूँ, चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ. अच्छा हाँ, वरना तो हमें अपने हाथ की कोई चीज़ पसंद आए तो हम कैसे ये सोचें? मुझे ज़्यादा अपीलिंग जो है ना, लोगों का खाना अच्छा लगता है, बाहर खाना जाना. अच्छा. और इस तरह बाहर की शौकीन है. अच्छा सही है. अच्छा, हम फरा को किचन की तरफ लेकर चलते हैं. आ जाओ, इससे पहले कि ब्रेक आ जाए, अगर कोई चीज़ हम शुरू कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं. अच्छा, पहले ही हम बता देते हैं, ये चिमीचांगा का जो बीफ है आप मैरिनेट करके लाइए, बट मैरिनेशन बताओगी यहाँ पर, है ना? ठीक है. और ये बीफ के क्या हैं? ये जैसे पसंदे स्टाइल कटे हुए हैं? जी, पसंदे पार्ची स्टाइल कटे हुए. ठीक है. नाइफ, ये नाइफ वहाँ पे रखी हुई. और इसकी मैरिनेशन, ये पीटा ब्रेड में बनेगा? ये टॉर्टिला ब्रेड है. टॉर्टिला ब्रेड है, ठीक है. ये टॉर्टिला आप लेकर आई हुई हैं. अच्छा, इसको हमें ये करना है कि ये हमारे पसंदे स्टाइल में कटा हुआ है. ठीक है. जस्ट हमने इसको स्ट्रिप में जो है ना, मजीद इसको जो है ना थिन करके और स्ट्रिप्स में हमें जो है ना काटना है. वो काटना है. ठीक है. कटिंग आपने वैसे की हुई है या अभी करोगी उसकी? उसकी तो करना पड़ेगी. अच्छा सही है. तो मैरिनेशन हम बता दें कि क्या क्या इसमें जाएगा. जी, है ना. कटिंग तो हम आपने बस इस तरह से पार्चे पस, क्योंकि ये ओवरनाइट जो है ना इसको हाँ. टेंडर करना पड़ता है, तभी अगर ये नहीं होगा तो फ्लेवर नहीं होगा, क्योंकि ये गलेगा नहीं. ठीक है. तो इसलिए इसको हमने ओवरनाइट करके रखा था. ठीक. तो मैं घर से करके ले आई थी ओवरनाइट के लिए. सही. अब इसमें जाया गया क्या क्या है ये हमें बता दो. और ये जो है ना, ये बारीक इस तरह के स्ट्रिप्स जो है वो करेंगे. ये अच्छा, इसके अंदर जो जाएगा वो है हमारा काजू. सबसे पहले हमें आप बोल में सारी चीज़ें मिक्स कर लो, ऐसा करो, और फिर बाद में वो बीफ में मिक्स कर लेना, है ना? जी. क्या क्या वो चमचा वहाँ पे रखा हुआ है अगर चाहिए? हाँ हाँ, बस 1.5 मिनट में हम आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बता देंगे. अच्छा, एक चीज़ ये कि काजू स्पाइस में बना कर लेकर आई हूँ. ठीक है. इसमें हमारे पेपरिका, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और क्यूमिन. अच्छा. और मिक्स हर्ब. इसको हमने ब्लेंड कर देना है. ये काजून स्पाइस का, काजून ये क्योंकि मैक्सिकन का मेन ये स्पाइस है. और फरा ये बना बनाया मिलता है? नहीं, बना नहीं. आप बना के रख लें, एक मेरे घर में तो हर वक्त मतलब अवेलेबल रहता है. सही है. क्योंकि और ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है. अच्छा ठीक है. इसके बगैर मिक्स्ड हर्ब है, क्यूमिन है, लाल मिर्चें हैं, ब्रेड पेपर है, पेपरिका है, पेपरिका और मिक्स हर्ब है, और क्यूमिन और रेड चिली पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर. ठीक है. ये सारी ठीक है. ये चीज़ें ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट है. ये हम इसके 2 स्पून जो है ना, ठीक है, ये डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ये कम है. सही है. और वो ज़्यादा है. हाँ, हम सिर्फ चीज़ें दिखा दें क्या क्या डालनी है हमने. जी, ये तो हमारा काजू स्पाइस हो गया. ठीक है. इसके अलावा हम इसमें लेंगे सिराचा सॉस. एक और स्पून ले लेते. हाँ, जिंजर गार्लिक जाएगा. जी ठीक है. ये भी हम इसमें जो है ना वो 2 टेबल स्पून डाल देते हैं. ठीक है. काजून स्पाइस, सिराचा सॉस और ये टोमेटो पेस्ट जाएगा. ठीक है. टोमेटो प्योरी लेने, पेस्ट लेने, यही ले लो स्पून. स्पून ये हाँ, लेना आप ही इस उसके लिए, कोई मसला नहीं. टोमेटो पेस्ट. अच्छा, इसके अलावा रेड चिली जाएगी. ठीक है. वो तो काजून में चली गई है. सही है. ठीक है. जिंजर गार्लिक पेस्ट हो रहा. और आपने मीट टेंडराइज़र भी डाला है. मीट टेंडराइज़र डाला है. ठीक है. लेकिन वो क्योंकि अभी हम मतलब दिखा रहे हैं. हाँ हाँ ठीक है. वो लेकर नहीं आई हैं. नहीं, रखा हुआ है बट. ओके ओके. मीट टेंडराइज़र भी जाएगा. और कितना जाएगा जैसे ये क्वांटिटी? अगर ये क्वांटिटी इतनी है तो हाँ. इसमें जो है 2 टेबल स्पून हमारा भरकर हम डाल सकते हैं. ठीक है. और क्या क्या जाएगा स्पाइस? बस स्पाइस, ये इसको हम मैरिनेट करके. दैट्स इट. जी, काजून स्पाइस है, सिराचा सॉस है, आपका टोमेटो प्यूरी है, फूड कलर है ये रहा. ठीक है. जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ऑरेंज फूड कलर है एंड मीट टेंडराइजर. ये मैरिनेशन है. पिंच डालेंगे ना इसमें हम. दैट्स इट. जी, ऑयल चॉयल कुछ ऑयल डालना है. ये लीजिए जी, हमारे पास ये लतीफ कुकिंग ऑयल है. मैरिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें जो है ना वो तकरीबन. ठीक है, आप ब्रेक पे जा सकते हैं. 1 टेबल स्पून के करीब. सही है.
लतीफ़ कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करें, बाकी की सारी कुकिंग भी हम इसमें करेंगे। बेहतरीन ऑयल है और इसमें विटामिन ए एंड डी 3 शामिल है। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक हम इसमें इसको आपने कुक करना है, बेशक हम इसको चढ़ा सकते हैं, हमने अब ठीक है बेक करना है। अच्छा बेक करना है इसमें कुछ कर नहीं नहीं इसको तो अब बिल्कुल एंड में करेंगे हम। इसको हमने बेक करना है, ट्रे में लगा के बेकिंग पे चला जाएगा। अच्छा उसी में गलेगा तो रख देते हैं ठीक ट्रे में। ये बेकिंग की डिश है ये पीछे। ठीक है जी, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और फिर बताएंगे हमारे साथ क्या क्या है और आपको देने के लिए क्या क्या है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अभी हमने जो शुरुआत ली है पहली रेसिपी से, ये तो लग रहा है बिल्कुल एंड तक चलेगी। और बाय द वे आपने मुझे बताया ये मैक्सिकन स्टार्टर है, है ना? मैक्सिकन एपेटाइजर है जी। ओ गॉड, और इतनी लेंदी इसकी। अच्छा हमने क्या किया था, एक तो बीफ को इन्होंने कट करके दिखाया और उसकी मैरिनेशन बताई, जिसको हमने बेकिंग ट्रे में हल्का सा ऑयल का ब्रश करके और उसको ओवन में रख दिया। तो कितनी देर तक रखेंगे? हाफ आवर, जब तक अंदर मतलब वो कुक नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसकी बन रही है सालसा सॉस। अब बताएं क्या क्या चीज़ें चाहिए। सारी चीज़ें ब्लेंड होंगी, वो आप अच्छे से देख लें। ये नज़र आ रहा है, मैं ये हटा दूँ थोड़ी देर। अच्छा चलो, ये तकरीबन 2 टोमेटोज़ थे हमारे, ठीक है। 2 टमाटर जी, ये हमारी एक मीडियम साइज़ अनियन है, ठीक है। ये चंद चंक्स हैं पाइनएप्पल चंक्स, ठीक है। चंक्स थोड़े से डालेंगे, सही है। बस फरा जितना भी घबराए ना रेसिपी सही बता देना। ग्रीन चिलीज है, ठीक है। 2 हम डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं ना, ठीक है सही। अच्छा, है इसके अलावा ये टोमेटो पेस्ट है, सही है। ये टिपिकल मैक्सिकन आप जी वो बना रही हो ना? जी जी जी। टोमेटो पेस्ट क्या, टमाटर है, पाइनएप्पल है, हरी और मिर्च। इसमें सिराचा जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा ले लेते हैं, 2 टेबलस्पून है तक, ठीक है। इसके अलावा ये है रेड चिली, ठीक है। ये हम थोड़ी सी डालेंगे, वरना 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज डाली है तो सही है। वैसे भी बहुत स्पाइसी होता है ना ये खाना। पेपरिका भी हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमारे उसमें भी ऑलरेडी डाला हुआ है। अच्छा सही है, ठीक है। क्यूमिन डाल देते हैं, ठीक है। पाउडर क्यूमिन उसमें भी डाला हुआ है, इस पर भी हम जस्ट फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। करियंडर हमारा सही है, ये पूरा चला जाएगा। अच्छा, और ये सॉस तो आप बना के भी रख सकते जी, हो ये मेरे मतलब ये इतनी क्वांटिटी जो ये आराम से चल जाएगी, ठीक है। सम इसमें हम बेल पेपर, हाँ जी कैप्सिकम है, ये हम 4 हम येलो ग्रीन रेड हमने सारी डालनी है इसमें। सी से फ्लेवर इसका जो है ना वो इन्हेंस होता है। अच्छा, अभी अगर ये लाल और पीला ना लें सिर्फ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मज़ा नहीं आएगा अगर टिपिकल चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल, अगर प्रॉपर चाहते हैं तो ये चीज़ें डालना है। हाला ऑरेंज भी आपको थोड़ा सा देखिए जो है ना, मेरे ख्याल में कुकिंग में जो है ना थोड़ी सी वेरिएशन अपने आप से कर सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप वही रेसिपी को कभी कभार जी कभी कभार जूस, लेमन जूस, ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें लेमन जूस डाला, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने, सॉल्ट नहीं है, ठीक। सॉल्ट चाहिए जी, सॉल्ट, हेलो सॉल्ट चाहिए हमें। हम नमक मंगवाते हैं, जब तक आप ये ब्लेंड करो थोड़ा सा पानी डाल के। जब तक आप ब्लेंड कर रही है मैं आपको आज बताती चलूँ, हाँ जी पिज्ज़ा मैक्स के वाउचर्स किसे चाहिए। अपनी इफ्तारी पे पिज्ज़ा मैक्स के पिज्ज़ाज एंजॉय कीजिए और देखते हैं कि आज कौन विन करता है। इसके अलावा मोवनपिक के वाउचर्स हैं इफ्तार और डिनर के, आप डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत वो लोग दे रहे हैं, उसके वाउचर्स हम आपको दे रहे हैं। प्लस वाउच 365 के बुक्स हैं जिनमें बेशुमार वाउचर्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री के कूपन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेल कीजिए उनको अपने पसंदीदा कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड चेन्स में, टेक अवे डिलीवरी आप लीजिए। और आज क्या है हमारे पास, ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो ये आईटेल की बहुत ही अमेजिंग डबल ट्रॉली स्पीकर्स हैं जो कि आपको आपके इवेंट को शानदार बना सकते हैं। रमज़ान में अगर आपने तरावी का एहतमाम करना है, आपने नमाज का एहतमाम करना है, कुछ भी आपने करना है, आप इसके लिए
ये आइटल का लीजिए डबल ट्रॉली, इसमें सिंगल ट्रॉली भी आता है और इसकी प्राइसेस जो हैं आप अगर आइटल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से उनकी डिटेल भी मिल जाएगी। बैटरी ऑपरेटेड है, बिजली का चक्कर नहीं है, पहले से चार्ज करके रखें, ईजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ऑक्स के ज़रिए तार लगाइए अपने फ़ोन पे या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए आप कनेक्ट हो जाइए। और आप यूट्यूब पर अगर जाएंगे तो आप मक्का से भी लाइव तरावी का फ़ायदा उठा सकेंगे, माइक के साथ ये दिया गया है एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। तो अच्छा जी, सब हो गया ब्लेंड अच्छे से, अच्छे से हो गया। ये बन गई सालसा सॉस, बहुत हाँ ठीक है। हाँ शुरू कर, तो जब तक इसका हम थोड़ा सा करें, क्या करना है इसको? तो बस जस्ट हल्का सा गरम करना है। हाँ, उसके बाद इसके ऊपर ये मेयोनीज और ये सालसा सॉस जाएगा। अच्छा ठीक है, और इसके ऊपर वो जाएगा बेल पेपर वगैरह। तो ये जब तक गरम करना शुरू कर करूँ? हाँ ठीक है, वो भी होता है, एक ब्रेक भी आ रही है। हम इसको गरम करते हैं और इसमें लगाओगे सालसा सॉस एंड मेयोनीज, मेयोनीज और जैसे बीफ तैयार हो जाएगा फिर हम वो ये बेल पेपर सारी। ठीक है, ये दो तीन बना लो ब्रेक में, जितना टाइम मिलता है बाकी एक दो सामने दिखा देंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तब तक आप लोग हमारे शो का हिस्सा बनिए, हमें कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए और ज़रा बताइए आपका कनेक्शन। कभी आपने ऐसा महसूस किया वो ताकत, वो नूर, वो डिविनिटी, वो प्योरिटी अपने अंदर जब अल्लाह को याद किया हो, अल्लाह का जिक्र किया हो, कुछ एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कीजिए। एक ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए। वेलकम बैक, आज फरा हमारे साथ हैं जो शेफ बन रही हैं और कॉथम से कर रही हैं, आई हैं हमारे शो पे फर्स्ट टाइम। और हम जो है वो मैक्सिकन एपेटाइज़र है जो हम सीख रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया, ये बनी बनाई टोर्टिलाज होते हैं, आप ये मैदे की रोटी घर पे भी बना सकते हैं। और इसमें आपने लगाया मेयोनीज और जो सालसा सॉस ब्लेंड की थी हमने वो लगाया, और सारे कलर्स के बेल पेपर्स जी, और हैलेपिनो, हैलेपिनो ये बना बना कर हम रख रहे हैं। जैसे ही बीफ हो जाएगा जी, तो उसके स्ट्रिप्स हम इसमें रखेंगे, रोल फिर उसको रैप करेंगे रोल की टाइप करके, और फिर फ्लावर का मिक्सर हम बाउल में बना लेंगे लिक्विड। अच्छा, और ब्रेड क्रम हमारे पास ही रहे। अच्छा, उसके बाद पहले हम उसको डिप करेंगे फ्लावर के जो लिक्विड में, उसके बाद ब्रेड क्रम में, फिर डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, तो ये अभी लॉन्ग प्रोसीजर है यार, इतना काम में एक एपेटाइजर ले रहा है तो लेकिन होता बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो हमने बना के थोड़े रखे, ये बाकी हम बाद में बना लेंगे जब हमारा बीफ तैयार हो जाए। ठीक है, आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, और वो है कंग पाओ चिकन। चिकन जी। अच्छा, ये चाइनीज़? जी ये चाइनीज़ चाइनीज़ है। फरा ने कोशिश की है कि वो जहाँ पर पढ़ रही हैं तो तीनों सर की आपने तीन एक एक रेसिपी ले ली, कोई भी नाराज हो, देख रहे हैं शो वो लोग। अच्छा चलो जी, कंग पाओ चिकन। अब इसके लिए ये चिकन है 1 kg बोनलेस, ठीक है, बोनलेस है, सही है, उसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, ये इसकी है रेसिपी। अच्छा, इसको जो है ना हम अभी वो करके रख रहे हैं, मैरिनेट करेंगे। ठीक है, ये हमारी फ्राई होगी। अच्छा सही है, ठीक है, हाँ वही टिपिकल चाइनीज टाइप जी जी जी, चिकन और वो पहले से फ्राई करके रख। इसके अंदर हमारा जाएगा ब्लैक पेपर, ठीक है, ये पूरी हम ब्लैक पेपर इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसके अंदर हमारा जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट जाएगा, अब कुछ नर्वसनेस, घबराहट कम हुई? कम हो गई, हाँ शुक्र है, सॉल्ट जाएगा और ये शुगर जाएगी 1 teaspoon, क्योंकि ये टेंडराइजर का काम करती है चिकन के लिए, इसलिए इसको हम डाल रहे हैं। सही है, नमक, काली मिर्च, शुगर और सोया सॉस, सोया सॉस ये 2 tablespoon, टीस्पून है ये, ठीक है, टेबलस्पून हम पूरा भर कर डालेंगे। सही है, अभी अंदाज़ा नहीं हुआ चीज़ों का? नहीं, हो गया, हो गया, तो ऐसे ही डाल दो, ज़्यादा नहीं हो जाए देखा। इसका मतलब अंदाज़ा नहीं, मैं घर में तो अंदाजे से बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी दे के दूंगी ना, ताकि नहीं, क्यों आप अंदाज़ा चलाएं अपना।
अच्छा, इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर एक वो बन जाए, अच्छा से बॉन्डिंग अच्छी से हो जाए, ठीक है, फ्राई करने में एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए हमारे, वो एक क्रिस्पी जी वो हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हम 2 टेबल स्पून तकरीबन हम फ्लावर डालना है इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर। और पानी वानी कुछ नहीं ना, अंडा कुछ डालना? अंडा अंडा नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बाकी सेसमी ऑयल भी बाद में जाएगा, थोड़ा इसको हम मिक्स करेंगे। ये कांटा ले लो, बेशक कांटे से ऐसे कर लो मिक्स, और इसको रख देंगे, पानी नहीं डालना कुछ भी नहीं, खुद ही उसका अपना पानी है जो वो बाइंड करेगा। और ये डीप फ्राई होगा? जी डीप फ्राई होगा। अच्छा, हमारे पास ऑयल, चले हमारे पास लतीफ़ कुकिंग ऑयल है, इसको हम निकाल लेते हैं। भाई में फरजाना जी, अस्सलाम वालेकुम, इसमें निकाल लो। कैसी हैं आप फरजाना? मैं ठीक, आप कैसी हैं किरण आपी? मैं ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छी, मैं तो बहुत उम्दा, वेरी लकी, हैप्पी, स्माइलिंग, प्रिटी, हेल्दी, वेल्दी, रिच, पावरफुल, कितनी सारी चीजें हैं देखो। आज आपकी गेस्ट बहुत ही नर्वस लग रही है, लेकिन देखो उसको अच्छी वाइब्रेशन दो, तुम भी ये बात करोगी तो वो और नर्वस हो जाएंगी। नहीं नहीं, लेकिन आप साथ ही फिर आप ही साथ फिर रही है ना वो? हाँ, मैं तो खैर साथ कर रही है ना किरण। हाँ, आप लोग भी घर बैठे बैठे इनको वाइब्रेशन देने नहीं है, गेस्ट बहुत हिम्मत से काम ले रही है, उसको ताकत मिलेगी, अच्छा बना रही है और बहुत ही अच्छा बना रही है। अच्छा ठीक है, देखो हिम्मत दे रही है आपको फरा, आप बात कर सकती है उनसे, फरजाना है। फरजाना से क्या भी देखना आसान है? नहीं नहीं, मैं आपकी जरूर ट्राई करूंगी और आपको फीडबैक भी जरूर दूंगी, आप बहुत अच्छा बना रही हैं, बहुत नर्वस ना हो। बिल्कुल ना हो नर्वस। हाँ वो कह रही है टीवी पे देखना आसान है, यहाँ आकर काम करना मुश्किल है। जी जी ये तो है, सही है सही, देखना आसान है करना मुश्किल, करना मुश्किल है और क्या। तो आप बैठ कर शो एंजॉय कीजिएगा, चल नहीं रहा, ठीक है जी, सही है जी, ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, लतीफ़ कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन खानों के जायकों के लिए, खुशबू के लिए और अच्छी रंगत और लुक के लिए। अच्छा, इसको भी जो है ना मैरिनेट करने के मतलब रखते हैं, ठीक है ना, हाफ आवर, लेकिन अभी टाइम आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको हम जो है अभी डीप फ्राई कर रहे हैं जी, सही है। ठीक है, और ये अलग अलग एक एक करके आप डालो, सिंगल सिंगल डालेंगे, ठीक है, ताकि वो चिपके नहीं आपस में, इस पर हमें बहुत डांट पड़ती रही है। अच्छा अच्छा, हाँ कि अलग अलग डालें, पेशेंस चाहिए ना कुकिंग के लिए, जी ठीक है, सही है। ब्रेक का वक्त आ गया है और जब तक हम ब्रेक में ये करेंगे कि इसको डीप फ्राई करके रख लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं, पीनट्स को भी रोस्ट कर लेंगे ना। हाँ सही है, ये ले लेते हैं फ्राइंग पैन, और इसको सिर्फ रोस्ट करना है, नो ऑयल, नो ऑयल, पीनट्स को हम यहाँ पे रोस्ट करके रख देंगे, क्योंकि ये कंग पाओ चिकन की खास इंग्रेडिएंट होती है, जिसमें चिकन होती है वही कंग पाओ की पहचान है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, स्टे विद अस जी, वेलकम बैक। अच्छा, ये बीफ हमने ब्रेक में निकाल लिया जो ओवन में रखा हुआ था, और क्या टेंडर हुआ है ये देखें, मैं आपको बता दूँ, जैसे चिकन भी शायद इतनी टेंडर ना हो जैसे कि ये हुआ, लेकिन ये हाफ आवर मतलब वन ओवरनाइट में होगा, ये ओवरनाइट ओवरनाइट मीट टेंडराइजर रखेंगे तो ही आपको इसका, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया, हल्का गोल्डन ब्राउन आना चाहिए कलर ना। सही है, मैं ज़रा ये सटीन सॉफ्ट लीव्स का इस्तेमाल करूँ, ये वाइप्स हैं और बेटर देन टिश्यूज, काम अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी इनकी एब्जॉर्बिंग पावर है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, इनके किचन रोल्स हैं, टॉयलेट रोल्स हैं, पॉकेट वाले वाइप्स हैं वो आप कर सकते हैं, और ये पे आप इनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, सॉफ्ट लीव्स इसका नाम दिया गया है, इसको टिश्यू नहीं हम कह सकते बल्कि ये बेटर देन टिश्यूज़ हैं, सटीन सॉफ्ट, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एलर्जी नहीं करेंगे आपकी स्किन को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, ये रोल्स का क्या करना है, चिकन आपने कंग पाओ की फ्राई करना शुरू की और पीनट्स हमारे रोस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा ब्राउन करना है इनका, बस हल्का, ठीक है, चिकन और ले लिया, काफ़ी है मेरा ख्याल से, ये और लेना, एक लॉट डाल दो और फिर हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये भी होता रहेगा।
इसको तो हम हल्की आँच पे भी अभी रख सकते हैं। हाँ, ये हल्की आँच पे बेशक करते हैं। एक दफ़ा मैरिनेशन का रिकैप हम आपको दे देते हैं। कॉर्नफ्लावर था, नमक, काली मिर्च और इसमें सोया सॉस, शुगर, सोया सॉस और सॉल्ट, और कॉर्नफ्लावर सॉल्ट। हाँ सही है, सिंपल सी है। अब इसकी सॉस बननी है, हम सॉस भी उसकी बना सकते जी। सॉस हम अलग से बना के डालेंगे जब हम इसको पैन में डालेंगे ना चिकन के साथ, तो फिर हम इसकी सॉस बना, उसकी सॉस कंप्लीट कर लें, सॉस बना लें यहाँ पर, सॉस बना लें आप, है ना। उसका तो काम अब बस उसको जस्ट सॉस डाल के और एक दफ़ा। हाँ तो मतलब ये चिकन तो हो गई ना, बस ये चिकन होने का काम है इसमें। हाँ, और कोई भी ऐसे काम तो हम यहाँ पर इसकी सॉस तैयार कर लेते ताकि ये कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। शमीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो शमीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किरण आप सुनाए ठीक है? आहो, ऐसे मजे में। मैं भी बहुत मजे में हूँ। माशाल्लाह, मैं भी बहुत मजे में, बहुत अच्छी। ओ वाह वाह, क्या बात है। मैं तो जब से मसाला शुरू हुआ ना, मैं तो मसाला टीवी की दीवानी हूँ। ओ सारी खवातीन ऐसे दीवानी। बिल्कुल खाने पीने। अच्छा आप पूछ रही थी अल्लाह से रब्ता। यस यस यस। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि रात को जब सोने लगती हूँ ना, तो मैं अल्लाह से रब्ता ऐसे करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मैं सो रही हूँ, जब सुबह फजर हो तो मेरी आँख खुल जाए, ठीक है, और मैं नमाज अदा करूँ। तो यकीन करो किरण, ऐसे आँख खुल रही है ना कि जैसे मुझे ना उठा दिया गया है। हाँ, वैसे फौरन मेरी आँख खुल जाती है। वो नियत आपने कर ली ना अंदर। हाँ। जी हाँ, अगर अल्लाह से रब्ता करो तो जरूर रब्ता होता है। बिल्कुल होता है ना। हाँ, लेकिन मैं जैसे कल बात कर रही थी कि हम जिक्र और इबादत करते हैं, अल्लाह से अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ एक्शन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हम वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो फील होता है कभी जब आप वो कनेक्शन जोड़ती हैं, आप वो महसूस करती हैं उसकी ताकत को। जी हाँ, जी हाँ, है ना, कभी महसूस होता और हर बार नहीं होता ये हमारे से। और दुआएं जब हमारी होती हैं तो बिल्कुल कनेक्शन भी चाहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन, बस हमारा दुरुस्त है ना, परफेक्ट है। जी हाँ, तो फिर सब अच्छा। अच्छा, मैं मसाला शुरू से देख रही हूँ, लेकिन कॉल आज पहली दफा कर रही हूँ। चलो गुड जी। हाँ, वेरी गुड जी। आप हमारी दुआएं आगे रखती रहेंगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको हल्की आंच पे कर देते हैं, सॉस बना लेते हैं। हाँ, सॉस तैयार कर लेते हैं। आपको वो चाहिए, ये वाला पैन उसी में डायरेक्ट कर लो। हाँ ओके, और क्या, डायरेक्ट बनाती रहो सॉस। इसको मैं हटा देती हूँ, नीचे रखती हूँ फिलहाल। ठीक है, ये सही है। फ्राइंग पैन क्या चाहिए? हाँ यही सही, ये सही है। क्या क्या आप इसमें डालेंगे? ला मैं ये जलाती हूँ चूल्हा। हाँ पर घर पे कौन कौन देख रहा है? सबको कह के आई हूँ, लेकिन सब पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे। तुम जाग तो गए होंगे। जागे हुए तो थे। हाँ, तो क्यों नहीं देखेंगे? अगर सो गए तो पता भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को तो मैं सख्ती से कह के आई थी कि जहाँ कहीं भी हो आप देखेंगे ज़रूर। अच्छा नहीं देखेंगे बिल्कुल। अम्मी को बोल के आई हूँ। अच्छा, अम्मी तो बैठी होंगी बेचारी। अच्छा, और उन्हीं का ही शौक है सारा कुकिंग का। हाँ, टेस्ट उन्हीं के हाथ से आया है। अच्छा अच्छा, वो भी अच्छी खाने बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी। चलो भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, सॉस के लिए हमें क्या डालना है इसमें? सॉस नहीं डालना, पहले ये डालना है हमें अनियन। शुरू करो। ओके, है ना, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हम। ठीक है, लतीफ़ कुकिंग ऑयल विटामिन ए डी 3 के साथ। ये ऑयल आपको रखता है आपकी सेहत का ख्याल और कैंसर से बचाओ, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, वेट को कंट्रोल, बहुत सारे फ़वाद हैं इसके। अच्छा, अब इसके अंदर हम जस्ट अनियन को सौते करेंगे। हाँ, और कैप्सिकम को सौते करेंगे, देन चिकन डालेंगे और सॉस डालेंगे सारे। अच्छा सही, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा गर्म हो जाए ये और पैन, ठीक है। सही है। हाँ फरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये जो हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं अल्लाह को याद, मेरा तो बहुत कनेक्शन रहता है और जब आप बैठती हैं तो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। बहुत, मैं क्योंकि थोड़ा सा टची टाइप की, थोड़ा सा होता है ना इमोशनल। हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसमें मुझे होता है। हाँ
बल्कि अल्लाह मियां से आप बात करें ना तो उस वक्त तो बहुत जवाब भी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि बात हो रही है, अंदर अंदर ही आपको वो जवाब मिल रहा होता है ना, मन में आपका सही है बस। और ये हर वक्त रहे हमारा कनेक्शन, ये ना हो कि बस हम सिर्फ बैठे हैं या नमाज पढ़े तो तभी हम जुड़ पाएँ, कायम हो जाएँ हम अपने इस रबते में, तो फिर घबराहट भी नहीं रहेगी है ना, फिक्र भी नहीं रहेगी, खौफ भी नहीं रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी लाइफ में और हम बहुत अच्छे से हिम्मत के साथ उनको फेस कर पाएंगे, हिलेंगे नहीं अंदर से, नहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे। भी मैं वैसे डिबेटर हूँ। अच्छा, मतलब स्कूल में कॉलेजेस में नर्वस बिल्कुल नहीं यार, मतलब उसके बाद हुआ ये कि जो है ना शादी हो गई ना, फिर मैं घर बैठ गई और फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं थी। ओहो, तो बच्चे थे हाँ, वरना मैं तो डिबेटर थी, ठीक है अम्मा मुझे लिख कर दे देती थी, वो जाके बोलना होती थी, हाँ कर लेती थी। अच्छा हाँ, अच्छा अलग एक वो होता है कॉन्फिडेंस डिबेटर का। हाफ में डाल रही हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि हाफ मुझे जो है ना ये बहुत जल्दी वो हो जाती है, कलर वो उसका उसका हो जाता है, तो वो फिर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती। ठीक है, अच्छा ब्रेक का भी वक्त आ गया, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बस हम इसमें ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें ज़रा देख लें, इनके सॉस की चीज़ें हैं, ये चिकन मैं निकाल दूँगी, आप अपनी सॉस की चीज़ें डाल लो, बेशक चिकन डाल दूँ मैं इसमें, ये वाली, हाँ ये वाली डाल दो, ये दूसरी भी मैं निकाल के देती हूँ आपको। आपको सॉस में क्या क्या चाहिए, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस ये मैं निकालती हूँ, और सेसमी ऑयल, ठीक है, और कॉर्नफ्लावर, हाँ, और हाफ कप वाटर और विनेगर, ये ऑयस्टर सॉस डाला हमने, हाँ ये हमने इसमें सोया सॉस डाला है, मज़े की लग रही है, कंग पाव, कंग पाव तो अच्छी लगती है राइस के साथ तो बहुत ही, ये नहीं बस ये है सेसमी ऑयल, हाँ, और ये विनेगर है थोड़ा सा, जी जी ब्रेक बिल्कुल ले लेते हैं, ये गया ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सेसमी ऑयल, विनेगर और सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ है, नहीं शुगर है, ये रही है, ये सॉल्ट तो आप पिंच ही डालेंगे, और पेपर वगैरह, ब्लैक पेपर डाल दी ना उसके अंदर हमने, ठीक है, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और कौन सा ऑयल था, सेसमी ऑयल, ब्रेक ले लीजिए जनाब। खुशामदीद, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, उम्मीद है कि रमज़ान के ये शोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, नई नई रेसिपीज़ सीखने को मिल रही होंगी और बहुत सारी बातें भी आप सुन रहे होंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आपको बताएं, फरा जो है इस्तेमाल कर रही है अलखुब्स का मैदा, इनके बहुत ही बेहतरीन अलखुब्स के चक्की का गोल्ड आटा भी है, प्रीमियम फाइन आटा भी है, बेसन और सूजी भी है और ईजी पैकिंग में अवेलेबल है, हर जगह आपको ये मिलेगा। ये मैदे का लेप टाइप आप कुछ बना जी, ये लेप बना रही, लेकिन ये भी डीप फ्राई भी इसी मैदे के अंदर ही होंगे, मतलब वो हम क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, वो लिक्विड होगा, ठीक है। अब ज़रा हम आ जाते हैं रोल पे, लेकिन मैं उससे पहले आपको ज़रा कंग पाव की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो शक्ल भी आपको दिखा दूँ। ओह हो, क्या जूसी, क्या ग्लेज आया है, ऐसे ही तो हम चाहते हैं कि घरों में भी चाइनीज़ बने, है ना। अच्छा किया क्या था ब्रेक में, सारी चीज़ें तो डाल दी थी इसमें आपने, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सेसमी ऑयल, नमक, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर और सॉल्ट, चिकन पाउडर हमने आपके सामने नहीं डाला था वो डाल दिया, चिकन पाउडर, फिर जो थोड़े से रोस्ट किए हुए थे पीनट्स वो डाल दिए, बाकी हमने गार्निशिंग के लिए, और शिमला मिर्च अलग से काट के जो रखी थी, और ये लाल थाई रेड चिलीज हैं, ये मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने इस डेकोरेशन के लिए जस्ट कलर ब्रेक करने के लिए, सही है, वरना आप लाल साबित गोल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये रेडी, इसको हम सर्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर ये रोल्स देख लें, ये आपने बीफ डाला और इसको रोल किया, एक और हम दिखा देते हैं सामने जी, अब वो आप लेप से उसको वो करके सील कर देंगी जी, ठीक है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, हाँ ये है लेंदी लेकिन ये बनता बहुत अच्छा है, हाँ अभी अब देखते हैं ना। वो बाय द वे कल मैं वो लेके गई थी कोरमा, अफ़गानी कोरमा शाजिया ने जो बनाया था वो बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा उसका जायका और फ्लेवर आ रहा था, और अंडा पराठा तो खैर के नेवर गो रॉन्ग, वो उसका अपना एक अलग मज़ा था, इफ्तारी पे मैंने इन्जॉय किया। अच्छा ये देख लें कि रोल किस तरह कर रही है, मैं जब तक कॉलर से बात करती हूँ। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण, आपके प्रोग्राम में ये मेरी पहली कॉल है। अरे वाह, मुबारक हो आपको।
मैं आपका हर हफ्ते इतवार को प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ। अच्छा, आपसे ये मेरी है ना दूसरी दफा बात हो रही है, पहली दफा है ना श्री आपा के प्रोग्राम में बात हुई थी। अच्छा अच्छा, लाइव वीकेंड में फर्स्ट टाइम है, ओके गुड जी। क्या कहना चाहेंगी, आज की रेसिपीज आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी बना रही हैं, हाँ। बनाई हैं, थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं। वो तो हमने मेंशन कर दिया, वरना आप लोग का को कुछ नहीं बता सकते थे कि ये नर्वस है या नहीं है ना। नहीं, आपने वाकई में आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा जी जी, बिल्कुल, थैंक यू, आपको मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। और आज क्या इफ्तारी में बना रही हैं? मैं इफ्तारी में आज ना समोसे बना रही हूँ। यार आप लोग कुछ हटके नहीं चीजें ट्राई करते, बस समोसे पकौड़े यही खाते रहते हैं रमजान में। नहीं, बच्चों को थोड़ा पसंद होता है ना। मतलब चिकन के समोसे पसंद है, रोल पसंद है, ये सही बदल बदल के बनाते हैं। चलो अच्छी बात है, एंजॉय करते हैं। पूरी कचौरी तरकारी बना रही हूँ। अच्छा, कचौरी तो हाँ बहुत मजे की लगती है, गरम गरम। हाँ, गरम गरम ही फ्राई करती है। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है जी, और कोई खास बात? हम आपका नाम शामिल कर देंगे लकी ड्रॉ में। आज हम आपको पिज्जा मैक्स के और मोविन पिक के वाउचर्स दे रहे हैं, प्लस वाउच 365 की बुक्स भी हैं। अच्छा, अब इसको करना क्या है, ये तो एक और ये लास्ट है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सर, सॉस मेयोनीज लगाया, सालसा सॉस जो हमने ब्लेंड की थी वो डाला, सारे बेल पेपर्स मुख्तलिफ रंग के, हैलापीनोज, और ये ऐसे फोल्ड करना है आपने, फोल्ड करके मैदे का लेप लगा के सील कर, रोल कर देना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब हमें इसको लिक्विड बनाना है, फ्लावर का ही, इसी लेप का, इसी का। अच्छा, इसमें और पानी डाल दोगी आप? इसी में नहीं, मैं अलग बाउल में लेके, मैं इसको ज़्यादा बोल देती हूँ ताकि ये बना के हम डीप फ्राई करने डाल दें जी। और ये लीजिए आप, और मैं साथ में ये करूँगी, ये जो हमें कंग पाओ चिकन है ये चावलों के साथ ऑब्वियसली राइस सर्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर गार्ड राइस हैं जिनको हम अभी लेते हैं, वॉश करके मैं इनको चढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए तो मैं इसमें निकालती हूँ। बेहतरीन क्वालिटी के ये राइस हैं, गार्ड का नाम आपने क्या सुना नहीं, बल्कि इस्तेमाल भी आप लोग कर चुके होंगे घरों में, हर जगह पर ये अवेलेबल है और काफ़ी टाइम से इसकी क्वालिटी बरकरार है। लंबे लंबे खिले खिले खुशबूदार चावल अगर आपको चाहिए तो आप गार्ड के राइस बनाइए। मैं वन कप के करीब ले लेते हैं, हम इसको वॉश करके ना फिर वो ओके चढ़ा देंगे उबाल के, और फिर इसके हल्का सा गार्लिक सौते करके, सिंपल गार्लिक, जस्ट गार्लिक सौते करके डालना है। सही है जी, आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे। अच्छा, ये लेप खाली आप देख लें, ये लेप करके इस तरह बता दो कि करना क्या है। बस इसको हमने ये लिक्विड बना दिए, ये डिप करेंगे जी, और इसमें हम क्रम्स में विस्क, हाँ विस्क भी है, क्रम्स में जो है वो आप डिप करके डीप, एक मैं आपको करके बता रही हूँ बस, हाँ, जल्दी से सिर्फ ये देख लें और फिर ब्रेक ले लें आप लोग। ब्रेड क्रम वो रहे प्लेट के नीचे, हाँ सर। खैर आपने ना भी देखें तो क्या है पता, तो मैंने डिप किया और क्रम नहीं, मैं आपको एक नंबर दिखा रही हूँ इसको, बस ये इसको ऐसे हमने लाइए, इसमें जस्ट हमने यूं करके इसको डिप किया, ठीक है ठीक है, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम में इसको हमने रोल बनाया, ठीक है, और इसको हम डीप फ्राई में डाल देंगे बस। सही है जी, पता नहीं आप लोग इतनी लेंदी रेसिपी ट्राई करेंगे लेकिन एक दिन पहले से होने की, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। लाइवली वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। वेलकम बैक, ये रोल्स आप लोग देख लें, ये हमने जो टॉटीला ब्रेड थी उसको हमने डिप किया था, वो मैदे का लेप बनाया था हमने, लेप नहीं बल्कि पानी, थोड़ा सा लिक्विडी था उसका बैटर था, और फिर क्रम्स, ताकि क्रम्स जो है ना इसके ऊपर अच्छे से वो हो जाए। क्या मैं इसको एक काट के दिखा देख लूँ? जी जी, सीधा ही काटूँ टेढ़ा काट, स्लांट, हाँ ठीक है। क्या क्रिस्पी बने यार, क्या आवाज़ आ रही है,
ये गरम गरम ही खाने का मज़ा है। ये देखिए आप लोग अंदर से बीफ इतना जूसी कोई लगा है ना बनते हुए। इसको हम अच्छे से गार्निश करेंगे और आपको दिखाएंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसे। ये भी आधा ऑर्डर आ गया है रोल का। अच्छा जी ये देख लीजिए चिकन कंग पाओ, ये भी बहुत जूसी लग रही है। हमने गार्लिक राइस नहीं बनाया, हमने प्लेन बॉईल करके रख दिया। आप चाहें तो फ्राइड राइस, एग राइस, गार्लिक राइस, जिस तरह भी चाहें आप लोग इंजॉय करें, है ना। हमने तो टाइम सेव कर लिया, बट ये बहुत जूसी बनी है और बहुत सिंपल सी रेसिपी कंग पाओ चिकन की। पीनट्स के साथ इसको हम डेकोरेट कर देंगे। अच्छा अब आ जाओ सैलेड पे, ये करना। एक मिनट, ये भी डाल दें। इतने मज़े के रोस्टेड पीनट्स हुए हुए ना। चलो वेरी नाइस, तैयार हो गई जी आपकी ये रेसिपी, वो रेसिपी, दो रेसिपीज। और अभी हम आपको सिंपल सैलेड बनाएंगे विथ मनसलवा टिक्का चिकन चंक्स। हेलो फरियाल, अस्सलाम वालेकुम। ऑलिव ऑयल। अस्सलाम वालेकुम। ऑलिव ऑयल लेंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बोल ले। अल्लाह का सैलेड बहुत शुक्र, आप सुनाओ। मैं तो बहुत अच्छी एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को और शो को, आप लोगों की कॉल्स को और बातों को। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। अच्छा क्या क्या एंजॉय कर रही हैं? अच्छी गेस्ट आपको कैसी लग रही? नर्वस तो नहीं होती? हां अमेजिंग। अच्छा बना लिया इन्होंने? बहुत अच्छा। हां पाव चिकन Very nice. Yes. अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगी जो हम कल बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पे, कि आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह का जब जिक्र करें तो चेंजेस भी लाइफ में आनी चाहिए, है ना? ऐसा आती है। हाँ ऐसा होता नहीं है कि हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें और हम स्ट्रॉन्ग ना हों, फैसले ठीक से ना कर पाए, है ना? बिल्कुल, अल्लाह का फजल होता है। हाँ बहुत, उसकी ताकत है भाई, उसके नाम में इतनी बरकत है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। लेकिन ये फील करना बहुत जरूरी है, डोंट यू थिंक सो? कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। नहीं जी सकते अल्लाह के जिक्र के बगैर। हाँ। हम जी नहीं सकते। हम भटक सकते हैं इधर उधर, लेकिन एंड में वापस हम वहीं पर ही पहुँचते। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा अब क्या है ये सैलेड में? सैलेड है, सीजर सैलेड है। और ये जस्ट हम रफली चॉप कर रहे हैं ना। ठीक है, ये हमारी आइसबर्ग है। हाँ इसको हमने रफली चॉप कर लिया। सलाद का पत्ता जाएगा इसमें जी। अच्छा ये क्रोटन्स आप पहले से बना के? घर से बना के लाए क्योंकि अवेलेबल नहीं होते कल रात को। ठीक सही, ये सिंपल डीप फ्राई और रोस्ट करना होता है। नहीं, जब ब्रेड को काट के उसके चंक्स काट के आप उसको जस्ट ओवन में, नहीं इस पे पैन पे कर ले। ठीक है, फ्राइंग पैन में बेक कर ले आप उसको जस्ट भी। जरूरी नहीं है कि आप उसको डीप फ्राई करें, जी जी हैवी हो जाता है वो, बहुत हैवी हो जाता है। और ब्राउन ब्रेड के चाहे तो आप उसके भी बना सकते हैं। अच्छा और इसमें जाएंगे ये मनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स। इसको लेकिन मैं हल्का सा वो करना चाह रही थी। बिल्कुल, आप फ्राइंग पैन निकालें और इसको भी हम शुरू करते हैं। और बस हमारी अब एक ड्रिंक रहती है। ना कहीं मैं ना हाँ। अच्छा जी मनसलवा की चीज़ें तो आपको पता ही है, सबको सब इस्तेमाल कर रहे हैं रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा। आपने यूज़ किया है कभी मनसलवा की चीज़ें? जी बहुत मज़े की इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत आपकी कुकिंग को इजी कर देती हैं। झटपट और जल्दी से आप जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। नहीं कटेगा, ये कर दूँ इसमें? जी 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 सही है जी। और थोड़ा सा ऑयल? ऑयल नहीं, ऐसी कर दें, थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है जी, कोफ्ते बनाएं, इसके सीख कबाब बनाएं, नगेट्स बनाएं, एज इट इज़ फ्राई करें, मुख्तलिफ रेसिपीज तैयार करें, पिज़्ज़ा में, रोल में, सैंडविचेस में, सालन में, कटाकट में, देसी स्टाइल के मसाले में, हर तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम सैलेड में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा आइसबर्ग और सलाद का पत्ता काट लिया है। अच्छा और ये भी डाल देती हूँ मैं ताकि ये नहीं, ये अभी नहीं डालना था इसलिए क्योंकि
और क्या? कुक करना है? नहीं, इसलिए क्योंकि वो सॉस डालेंगे ना, हाँ, तो ये नरम नहीं हो जाए, तो मैं एंड में डालती हूँ, वो तो डाल दूँ। ठीक है ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है ना। ठीक है, डाल दे डाल दे डाल दे। हाँ, मैं चाह रही थी कि वैसे सारी चीज़ें डाल दें, बट एक ब्रेक आ गई है, रिकैप ब्रेक है, वो आप लोग देखिए, जब तक हम ये मनसलवा के चिकन टिक्का चॉइस करते हैं, आकर आपको वो ब्रेक सिखाएंगे। ये जस्ट टॉस करना और डाल देना है। ठीक है। सीजर सैलेड, अच्छा, टिक्का चंक्स आधा पैकेट, चिकन, आइसबर्ग 2 कप, लेटिस 2 कप, काले जैतून 10 अदद, कॉटेज चीज़ आधा कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, क्रोटोन्स 1 कप, ड्रेसिंग के लिए अज्जा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, वस्टर्शायर सॉस 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, पार्मेजान चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब, बोल में तमाम सब्जियाँ डाल के मिक्स कर लें, फिर ड्रेसिंग मिक्स करके टिक्का चंक्स शामिल करें, अब क्रोटोन्स डालें और पार्मेजान चीज़ छिड़क कर सर्व कर दें। चिमीचांगा मैक्सिकन स्पाइस के लिए अज्जा, पिसा जीरा 2 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, बीफ मैरिनेट के लिए अज्जा, बीफ 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, केजन स्पाइस 3 खाने के चमचे, तेल 100 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मीट टेंडराइजर 1 खाने का चमचा, खाने का रंग आधा खाने का चमचा, दीगर अज्जा, पीली शिमला मिर्च 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, हेलिपिनोज 1 चाय का चमचा, म्यूनीस हसपे ज़रूरत, सालसा सॉस 2 खाने के चमचे, टोमेटो सॉस के लिए अज्जा, टमाटर 400 ग्राम, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, प्याज 1/4 टुकड़ा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, शिमला मिर्च 3/4 टुकड़ा, पाइनएप्पल आधा टुकड़ा, केचप 50 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, नींबू का रस आधा खाने का चमचा, मैदा हसपे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हसपे ज़रूरत। तरकीब, बीफ में मैरिनेशन के तमाम अज्जा और मैक्सिकन स्पाइस मिलाकर मैरिनेट करें और बेक कर लें, फिर टॉर्टिया ब्रेड पर हरी लाल और पीली शिमला मिर्च रखकर हेलिपिनोस म्यूनीस और सालसा सॉस डालकर बेक बीफ स्ट्रिप्स रखें, उसके बाद मैदे से कोट करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई कर लें, आखिर में इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। टोमेटो सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। कंग पाओ चिकन विद गार्लिक राइस, अच्छा, चिकन 1 किलो, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 3 चाय के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 चाय के चमचे, सोया सॉस 4 चाय के चमचे, सेसमे ऑयल 2 चाय के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, शिमला मिर्च 2 कप, प्याज 2 अदद, भुनी मूँगफली हसपे ज़रूरत, गार्लिक राइस के अज्जा, चावल 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल हसपे ज़रूरत, हरी प्याज हसपे ज़रूरत। तरकीब, चिकन को नमक, काले मिर्च, चीनी और कॉर्नफ्लावर से मैरिनेट करें, पैन में तेल गर्म करके चिकन को सुनहरा फ्राई करें, अलग पैन में तेल गर्म करके फ्राइड किए हुए चिकन डाल के सोया सॉस, ओस्टर सॉस, कॉर्नफ्लावर, नमक, काले मिर्च, सेसमे ऑयल, सिरका, चिकन पाउडर और 1 कप पानी डालकर पकाएं, फिर प्याज के क्यूब्स डाल के शिमला मिर्च के क्यूब्स शामिल करें और मिक्स करें, आखिर में भुनी मूंग डालकर गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। गार्लिक राइस के लिए सॉस पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के सौते करें, अलग पैन में चावल डालकर उबाल लें, अब चावल को सॉस पैन में डालकर मिक्स करें, आखिर में कटी हरी प्याज डाल के गार्निश करें। रेड मिल्क शेक विद नट्स, अच्छा, दूध 1 कप, लाल शरबत हसपे ज़रूरत, पिस्ते हसपे ज़रूरत, बादाम हसपे ज़रूरत, केवड़ा चंद कतरे, आइस क्यूब्स हसपे ज़रूरत, चीनी हसपे ज़रूरत। तरकीब, ब्लेंडर में दूध, चीनी, लाल शरबत, आइस क्यूब्स, केवड़ा और नट्स डाल के ब्लेंड करें और सर्व कर दें। जी जनाब, मैं ये देख रही थी कि चिकन में ऐसा ग्लेज है कि अभी तक वो शाइन कर रही है, क्या परफेक्ट। सेसमी ऑयल, हाँ, सेसमी ऑयल का भी इसमें वो कमाल है, वो अभी तक आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हमारी जो लास्ट समर रस से हम बना रहे हैं बेहतरीन ड्रिंक, और ये दूध वाली ड्रिंक है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे ये बहुत पसंद है। बर्फ़ हमने डाल दी है, दूध आपने डालना है, और इसमें ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो बना हुआ समर रस शरबत है, इसका हम करेंगे इस्तेमाल। बहुत अच्छी खुशबू, आप एज इट इज़ पानी में मिलाकर, नींबू डालकर, मिंट्स डालकर बना सकते हैं। इसमें हम जो है वो नट्स डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ मैं रोक रही हूँ, ठीक है, पिस्ता बादाम ओनली, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स में केवड़ा डालूंगी, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स बस, सही है, ठीक है, और शुगर क्योंकि ये मीठा है, ठीक है, तो शुगर हम ना भी डालो, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप ये डालें समरस और इन्जॉय करें अपना
ये मिल्क शेक और बहुत और थोड़ा हैवी करना है तो वो पिशावरी वैनिला आइसक्रीम होती है, क्रीम डाल सकते हैं, आइसक्रीम डाल लें पिशावरी वाइट आ जाएगा, जेलीज डाल लें और इसको ब्लेंड कर लीजिए। अच्छा मेरे पास यहाँ पे विनर्स की लिस्ट आ गई है तो मैं विनर्स के नाम बताती चलूँ। मोवनपिक का वाउचर विन किया है मुनीबा ने और रिफत ने कराची में, कराची से बहुत बहुत मुबारक हो। 365 लाहौर की बुक गई है शमीम को, इस्लामाबाद की बुक गई है सीमी को। पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स विन किए हैं अनम ने और मिसेस आरिफ ने। ये तो था हमारा आज का शो। फरा से ज़रा पूछते हैं, फरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला? बहुत अच्छा रहा हाँ, एंड थैंक यू सर, बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपने इनको सिखाई जो आज इन्होंने हमें सिखाई और अच्छे से हो गया सब, टाइम का पता नहीं चला, हर चीज़ मुझे पता चला, आपको पता चला, अब जो आप रिलैक्स होंगी ना आज, ओह व्हाट अ रिलीफ। सही है जी, ड्रिंक भी हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने सैलेड को तैयार कर देते हैं, एक्चुअली सैलेड में वही जो एक उसकी सीजनिंग होती है और उसकी जो ड्रेसिंग होती है इटालियन ड्रेसिंग होती है, आप कोई भी ड्रेसिंग विनेग्रेट ड्रेसिंग बना लें इसके साथ। सिर्फ हमने सारी चीज़ें डाल दी थी, आइसबर्ग और सैलेड लीव्स, क्रोटॉन्स, सोया सॉस, हलवा के चिकन टिक्का चंक्स, सोया सॉस और लेमन जूस, नमक, काली मिर्च। इसके अलावा जो है आपने चीज़ का इस्तेमाल किया था, पार्मेजान चीज़ थी और चेडर चीज़ है ना, कॉटेज चीज़ एंड पार्मेजान चीज़ वो डाली है। पार्मेजान से वो सीजर सैलेड का एक अलग मजा टेस्ट आता है, उसी का ही है सारा फ्लेवर। नई रेसिपीज़ आपकी सब बहुत अच्छी थी और ये रोल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अब देखें इंशाल्लाह आगे होगा तो फिर हम आपको दोबारा मौका देंगे आप, ताकि अब तो इतनी सी भी नर्वसनेस नहीं होगी, है ना, अब तो सब हो गया, अब तो सारा अच्छे से हो गया। उम्मीद है कि आपको भी ये शो पसंद आया होगा, ये रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम लेते हैं आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। एनएक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा, आज आप हमारी गेस्ट थी, डिलक्स सैंडविच मेकर, इसे इस्तेमाल कीजिएगा रमज़ान में और इन्जॉय कीजिएगा। और हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और अच्छे से परफेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। खुदा Lively Weekends.